नमस्कार। आज के मुख्य समाचार इस प्रकार है। प्रधानमंत्री ने भारतीय जवानों की तारीफ की और कारगिल की जीत का पूरा उन्हें श्रेय देते हुए उन्हें बधाई दी। इंडियन आर्मी ने प्रधानमंत्री का पूरा प्लान फॉलो करते हुए सीमा पर तहलका मचा दिया है। इस जीत का पूरा श्रेय हम प्रधानमंत्री को देते हैं। प्रोपेगेंडा करना जरूरी है क्योंकि वीकली पेमेंट आ चुका है। लोकसभा में ऑपोजिशन ने सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए घेरा। सरकार ने सारे सवालों का ऑपोजिशन को सही तरीके से जवाब दिया और उन्होंने बढ़ती महंगाई की वजहें बताई और साथ ही साथ उन्होंने वादा किया कि सही कदम उठाने से महंगाई को कंट्रोल सशक्त किया जा सकेगा। महंगाई बढ़ रही है, आम इंसान मर रहा है, आखिर ऑपोजिशन कुछ करता क्यों नहीं? सरकार पर सवाल उठा के देश से गद्दारी का आखिर मतलब क्या है? प्रोपेगेंडा अच्छा लगे तो हमारे ट्विटर अकाउंट पे जाएं और एक लाइक ठोके, रीट्वीट भी करें, बहुत अच्छा रहता है। भारत ने सबसे पहला परमाणु प्रशिक्षण करके इतिहास रच दिया है। फिजिसिस्ट राजा गोपाला चिदम्बरम, जिन्होंने यह ऑपरेशन लीड किया था, हम उन्हें और उनकी पूरी टीम को श्रेय देते हुए उन्हें बधाई देते हैं। अच्छा सुनो, हमारा वीकली पेमेंट आ गया क्या? हाँ आ गया, आ गया। अच्छा आ गया। भारत का सैटेलाइट मार्स पे पहुंच चुका है। इस जीत का पूरा श्रेय जाता है प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्हीं की हौसला अफजाई की वजह से इसरो की टीम ने यह सक्सेसफुल किया है। कैमरा वालों को भी मिल गया है रोजगार, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का तो सहारा आपको पता ही है, ढूंढ ही लेता है उधर। आज हमारे साथ सरकार के वरिष्ठ प्रवक्ता मौजूद हैं, जिनसे मैं सीधे सवाल करूंगा और उन्हें जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार की रणनीतियां ना महंगाई ना बेरोजगारी रोकने में कामयाब रही है। आज हमारे साथ है सरकार की तरफ से उनके प्रवक्ता तथा उनके सहयोगी, जो मेरी मदद करेंगे ऑपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता को दोष देने में कि देश में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही है, आखिर देश तो ऑपोजिशन का ही जाता है तथा नेहरू पे जाता है, क्योंकि चार चवन्नी घोड़े पे। देश ये जानना चाहता है कि अपराधियों को नेता बना के इस चुनाव क्यों लड़े जाते हैं, आखिर ये भ्रष्टाचार कब तक सहेगा भारत? रेप की वारदातें बढ़ती जा रही है और सरकार निकम्मी बनी बैठी हुई है। नमस्कार, ड्रंकन न्यूज एनालिसिस में मैं गांजा मार के बैठा हूँ। मुझे तिहाड़ी भी बोलते हैं, क्योंकि मैं 100 करोड़ की फिरौती के लिए तिहाड़ जेल जाके आया था, जहां मुझे झांसाराम जी से भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला था। और इतनी उपलब्धियां गिनाने के बाद आज मैं यहाँ पर उन सबको देशद्रोही और टुकड़े टुकड़े गैंग कहूंगा, जो मेरे मालिक यानी कि सरकार के तलवे मेरे जैसे नहीं चाहते हैं। धन्यवाद। प्रदेश में बाढ़ आई हुई है, लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया है। लोग बाढ़ के पानी में बह चुके हैं और सरकार सिर्फ भाषण देने में व्यस्त है। अगर उनसे यह काम नहीं होता तो उन्हें अपने पद से त्याग देना चाहिए। देश में बाढ़ आई हुई है और लोग इससे जूझ रहे हैं। सर, वीकली पेमेंट क्रेडिट हो गया है। आखिर ऑपोजिशन चाहता क्या है? ऑपोजिशन ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। लोग तड़प रहे हैं, आखिर लोग चाहते क्या है? ये ऑपोजिशन वाले तो देश खा गए हैं पूरा। चाहते क्या हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? क्या चाहते हो? आखिर तुम समझते क्यों नहीं हो? द मोशन पिक्चर्स का मेरा बैनर रिलीज हो गया, कोई मत देखना। द न्यूज प्रोस्टिट्यूट ट्विटर पे, राम गोपाल वर्मा। आज प्रधानमंत्री ने चाइना व पाकिस्तान को सीधा चेतावनी देते हुए उन्हें कहा है कि वह अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना भारत की सेना उन्हें सीधा जवाब देगी। नमस्कार। 20 जवान शहीद हो गए हैं और उसके पीछे चाइना और चाइनीज सोल्जर्स का हाथ है। प्रधानमंत्री ने आश्वासित किया है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसको देंगे यह अभी तक उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। इसका डिबेट अभी भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है। उधर ही दूसरी खबरों में, करमजली बाबा ने देश का चुतिया काटने की कोशिश की, पर पुलिस ने उनकी धोती का कलर देखते हुए उन्हें छोड़ दिया। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री को पत्रकारों के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा, पर प्रधानमंत्री ने बखूबी जवाब देते हुए पूरे देश को सुनिश्चित किया कि वह अपने तरफ से कड़ा प्रयास कर रहे हैं। देश का इतना बुरा हाल है, आखिर ऑपोजिशन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहा? ऐसे देशद्रोहियों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तान भेजो तो क्या हुआ? अगर हमारे महामहिम ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की तो क्या बात कर रहा है? उस नेता ने भी अपनी बीवी को छोड़ दिया। नया प्रधानमंत्री अगली बार। इंडियन आर्मी ने प्रधानमंत्री का पूरा प्लान फॉलो करते हुए सीमा पर फिजिसिस्ट राजा गोपाला चिदम्बरम। ड्रंकन न्यूज एनालिसिस में मैं आज प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। देश में बाढ़ आई हुई है, आखिर लोग नहीं।
देश में बाढ़ आई हुई है लोग फक मैन देश में बाढ़ आई हुई है और लोग करमजली ब्रांड ने देश का चूतिया काटने की कोशिश की फक मैन करमजली बाबा ने देश का चूतिया काटने की कोशिश की उधर शिट मैन करमजली मादर देश का इतना बुरा हाल है आखिर ऑपोजिशन एक भी प्रोस फक मैन देश का इतना बुरा हाल है आखिर एक अरे मादर